Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you have to flaunt your smile with lots of positiveness, support a smile, peace. Friends, आज हमारे साथ हैं प्रणाली राठौर. शी इज़ एन एक्ट्रेस और एक बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हैं. सो लेट्स सी आज वो हमारे साथ क्या बातें करती हैं. लेट अस आस्क हर अबाउट हर पैशन, हर गोल्स एंड एवरीथिंग. लेट्स गो. नहीं, और जरूरत नहीं. और कल सवेरे हम पक्का मिल लेंगे तुमको. और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे. सुनो सुमन, एक बात हमेशा याद रख, बहुत प्यार करते हम तुमसे. आई लव यू. आई लव यू टू. तुम भी मत भूलना. करेंगे हाय हाय प्रणाली. सो 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 क्यूट. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड एज़ वेल. या एक बहुत ही फ्रेश चेहरा अगर बॉलीवुड में आ आएंगी एंड फिल्मों में. रियली 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 Really beautiful. मैं थोड़ी सी फेमिनिस्ट हूँ और मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं. That's why I say मैं बहुत बेस्ट डायरेक्टर हूँ क्योंकि बड़े प्यार से मैं लड़कियों को शूट करती हूँ. Thank you. Yeah. So प्रणाली, you're from Mumbai, right? तो ये कहा जाता है कि जो मुंबई वाले होते हैं उनको शोबिज में वहां पे रहना, सर्वाइव करना ज्यादा आसान रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग जगह से भी आते हैं. आप इस बारे में क्या कहेंगे? या एक्चुअली हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल है मुंबई में रहना, बट वही अगर बाहर के लोगों को देखा जाए तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं सिर्फ मुंबई में 5 दिन की ट्रिप पे आने के लिए. मैं बचपन से यही हूँ, सब मिलने एक ही है. सो या बहुत कम लोगों को मिलता है यहाँ पे आने का मौका और इंडस्ट्री में आने का मौका. बट या टू बी ऑनेस्ट, मुंबई इज अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. बाहर वालों के लिए हमने इस तरह की स्ट्रगल सुनी है कि उनके पास रहने को जगह नहीं होती मुंबई में बहुत मुश्किल से, और बहुत सारे लोग तो वहाँ बेंच पे सो रहे होते थे और आज वो सेलिब्रिटीज बन गए हैं और वो प्राउडली अपनी ये सारी बातें बताते हैं. सो कंपेयरिंग टू देम, द पीपल हु आर इन मुंबई, तो डेफिनेटली आसानी रहती है इस पे. या अच्छा, आप जो है, आपके जो फादर हैं, ही वॉज यू नो मैथमेटिक्स के लेक्चरर, और आपकी बहन इंजीनियर, तो आपको उन्होंने कोई साइंटिस्ट बनने का तो नहीं मतलब कुछ एडवाइस किया था ऐसे लगता? एक्चुअली मेरे घर पे प्लान यही था कि एक बेटी डॉक्टर बनेगी और एक बेटी इंजीनियर. तो मेरी जो बड़ी बहन है वो बन गई इंजीनियर. तो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बनूंगी डॉक्टर. बट डेफिनेटली मैंने 11th-12th में जब साइंस लिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. मुझे हमेशा से तो मैंने बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे डॉक्टरी नहीं होगी, प्लीज मुझे एक्टिंग करने दो. सो ऐसे डैड को मनाया, फिर जाके मैं मीडिया में आई एंड फिर इस इंडस्ट्री में. हाँ, मीडिया के जो लोग हैं ना वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं होते. आजकल तो डेफिनेटली डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं कोरोना में, वो तो दे आर कहते हैं कि वाइट कपड़ों में या जो भी उनका यूनिफॉर्म होता है ब्लू कपड़ों में, वो एक खाकी वर्दी वालों से कम नहीं है. लेकिन जो मीडिया के लोग होते हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं. वो यहाँ की सर्जरी करते हैं विदाउट यूजिंग नाइफ, बगैर खून निकाले, बगैर कुछ चीरा फाड़ी किए हुए, वो यहाँ से लोगों को बदल देते हैं. राइट? बिल्कुल. तो आप बोलो, मैं भी डॉक्टर सर्जन सर्जन. डेफिनेटली बहुत एक्चुअली मैंने देखा है कि मीडिया वालों का पब्लिक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. जो वो दिखाते हैं वो एक्चुअली, आई थिंक लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो एक्चुअली वो मानने लगते हैं. बिल्कुल. और यू नो जाहिर है फिर एक पावर आता है, लोग आपकी बात सुनते हैं. जब हम लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी आपकी बात सुनते हैं और आप जो कहते हैं वो एक लव्स वैल्यू रखता है. तो मास मीडिया हम जिसे कहेंगे, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मास मीडिया एज एन एक्ट्रेस. तो अपने आपके पेरेंट्स आप क्या फील करते हैं, हैप्पी हैं आपके काम से? बिल्कुल. इनफैक्ट मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था, बस मैंने स्कूल में ड्रामा किया था, मैंने कहा था कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है. तो मॉम डैड वर क्वाइट सपोर्टिव, पर फिर उनका सिर्फ एक कंसर्न था कि तुम बस एक डिग्री ले लो, यू शुड हैव अ बैकअप. तो बस एक डिग्री ले लो, फिर तुम्हें जो करना है तुम करो. तो ही वांटेड मैं डॉक्टर बनूं,
और फिर एक्ट्रेस बनूं, ताकि यू नो फिर वो रहेगी डॉक्टर प्रणाली राठौड़ इवन एक्ट्रेस टाइप। फिर तो बहुत लेट हो जाता, फूलों में से बहुत सारा पानी वही बह जाता। बोल रही थी कि पापा मुझे मम्मी के रोल्स मिलेंगे, मुझे नहीं इतना लेट जाना। अच्छा आपका जो फेस कट है ना, यू आप यंग भी हो डेफिनेटली बहुत, और मेरे ख्याल में आप ऐसी कितनी कितनी रह जाओगी, आप मेरे ख्याल में 40 की भी होगी ना, मुझे ऐसा लगता है, तो आप इतनी ही की लगोगी। योर फेस इज लाइक दिस, मे बी बेबी फेस, राइट? आलिया भट्ट है इस तरह की ना बेचारी, वो भी गुरु तो इतने कितने। और इसके अलावा वो जो शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी है वो शी इज यंग एंड एज कम्पेयर वो बड़ी लगती है, बट एवरी वन इज सो ब्यूटिफुल। या वेरी ब्यूटिफुल। अच्छा मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया, आप यू आर क्लिंग द रैंप एंड ऑल दिस, देन फिर आप एक्टिंग की साइड पे आई, सो व्हाई यू स्टार्टेड फ्रॉम द मॉडलिंग फर्स्ट? ओके सो मुझे मैंने सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि मैं ऑडिशन देना स्टार्ट करूंगी। मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा कि जैसे ऑडिशन होंगे एक साल जाएगा फिर प्रोजेक्ट मिलेगा टाइम। तो जब मैंने फर्स्ट अब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था जो एक क्लीन एंड क्लियर का फ्रेंड शूट था, एंड मैंने जस्ट ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इट। तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑडिशन में ही मैं सिलेक्ट हो गई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। फिर मुझे और फोटोशूट्स मिलने लगे, प्रिंट शूट्स मिलने लगे, फिर रैंप्स मिलने लगे। तो मैं मॉडलिंग के साथ चलती रही बिकॉज मुझे उसमें भी काफी मजा आने लगा था। और फिर फाइनली मुझे एक एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला और वहां से मेरी एक एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। सो व्हाट डू यू थिंक, एक्टिंग वेरी डिफिकल्ट है या मॉडलिंग डिफिकल्ट है? आई थिंक बोथ, अपने अपने फील्ड में वो दोनों ही काफी डिफिकल्ट है। पोज करना, स्ट्रेट फेस रखना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड एक्टिंग में तो सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, एक्सप्रेशन, डायलॉग्स, एवरीथिंग। मगर एटलीस्ट आपके पास एक टेक रीटेक लेने का चांस तो होता है, ये गलती से थिएटर वेटर तो नहीं किया? आई थिंक आई रिस्पेक्ट अ लॉट थिएटर आर्टिस्ट को बिकॉज वो वन टेक आर्टिस्ट होते हैं एंड वो वहां पे टेक्स नहीं होते, तो वो जैसे अगर वो कुछ गलत कर भी लिया तो वो डेफिनेट 2 सेकंड में उस चीज को कवर अप भी कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कुछ गलती भी की थी। तो आई रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक सो ये मुझसे अभी हो पाएगा, बट किस तरह से जो फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था कैमरा फेस करने का, तो कितने रीटेक्स थे जरा बताइए अपना। बहुत रीटेक्स थे मैंने, एंड वो एक्चुअली डायरेक्टर को पता नहीं। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट, एक्टिंग प्रोजेक्ट मेरा प्यार पहली बार था विंग चैनल पर, जो एक एपिसोड होता है 3 दिन शूट होता है। सो आई थिंक द डायरेक्टर सर को पता था कि मैं नई आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट है, एंड वो मुझे डायलॉग दिए एंड दे वर लाइक यू हैव टू एनैक्ट दिस, लाइक फाइन। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या डायलॉग्स याद नहीं हो रहे, कैसे करना है कुछ पता नहीं। वो डायरेक्टर से मुझे डांटने लगी कि तुम क्या कर रही हो, ऐसे थोड़ी करना है, वैसे नहीं करना है, वैसे करना है। I was like, so, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे करना। देन फिर वो इतने पोलाइट हुए, उन्होंने समझाया, भले मैंने बहुत टेक्स दिया बट ही वाज वेरी काम। सो आई थिंक नए एक्टर्स के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट है कि अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा डायरेक्टर्स हो, तो यू नो इजी हो जाता। और खास तौर पर गुस्सा ना करने वाला डायरेक्टर हो, राइट? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नो डायलॉग याद करना सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको मालूम है आपने क्या कहना है, कैसे कहना है, फिर वो खुद ही पॉज और वो सब इस तरह से हो जाता है। तो डेफिनेटली अच्छा, मैं आपसे जो है 2018 में जब आपने ये शो किया था प्यार पहली बार, राइट, उसके बारे में बताइए कि दैट वाज द फर्स्ट जिसके बारे में अभी बोल रही थी। एंड आई वाज वेरी नर्वस, मैंने सिर्फ एक वीडियो भेजा था अपने फोन से, ऑडिशन वीडियो, मुझे उसी से सिलेक्ट कर लिया था उन्होंने। एंड आई वाज वेरी नर्वस, लुक टेस्ट हो रहा था, फिर शूट हो रहा था, 3 दिन शूट हुआ, बट मेरे को एक्टर्स एंड डायरेक्टर इतने अच्छे थे, दे हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड
थैंक यू टू द ऑडियंस, बिकॉज हमारा वो फर्स्ट एपिसोड ही इतना हिट हुआ कि लोग आज तक मुझे मैसेज करते हैं कि आपका प्यार पहली बार वाला एपिसोड बहुत पसंद आया था। अभी हमें एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आप बिग बॉस में जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तो आप वहां जाएंगी? मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है, स्पेशली लास्ट सीजन मैंने बहुत दिल लगा के देखा था, एक भी एपिसोड मैंने मिस नहीं किया था। मुझे बिग बॉस ट्रूली बहुत पसंद है, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, बट आएगा तो जरूर जाऊंगी। मुझे वहां तो बहुत लड़ाई होगी ना, वहां बहुत लड़ाई होती है, आप ना भी लड़ो सामने वाले। या मुझे उसी बात का डर है, बिकॉज मुझ में पेशेंस नाम की चीज नहीं है, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, तो मुझे ऐसे डर है कि कहीं मैं कुछ फेंक फेंक के कुछ मार ना दूं किसी को, तो आई लाइक नो आई विल स्टे अवे। अब तो वो आपको जरूर कास्ट करेंगे। या एंड आई थिंक आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन है, सारे शी इज एक्सपर्ट इन लड़ाई ड्रामा में। yeah. लड़ाई बड़ाई का रोल है क्या आपका? ड्रामा में Actually, कोई लड़ाई? मेरे भाई हैं, मैं उनसे काफी लड़ाई करती हूँ, अपने दोस्तों से लड़ाई करती हूँ, मुझे उनको चिढ़ाने में बहुत मजा आती है क्योंकि मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। मेरे ख्याल में ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है, जो आपकी एज है उस हिसाब उसमें ऐसा होता है, जल्दी चढ़ जाते हैं, फिर रफ्तार रफ्तार जो है इंसान में थोड़ा काम हो जाता है और इस तरह से। अच्छा, व्हाट अबाउट जात ना पूछो प्रेम की? Am I audible to you now? Yeah. So, आपका जो शो था जात ना पूछो प्रेम, या हेलो आप आई कैन हियर यू वेल, हियर मी, कैन यू हियर मी? या आई या Now, can you hear me now? Yeah. आपका जो शो था जात ना पूछो प्रेम की, उसके बारे में पूछ रही हूँ मैं, उसके बारे में कुछ बताइए। Okay. So, वो मेरा सबसे पहला लीड वाला प्रोजेक्ट था। मैंने इसके लिए आई थिंक 3 to 4 months लुक टेस्ट दिए थे, ऑडिशंस दिए थे, बहुत लंबा प्रोसेस था लीड बनने का, आई एम प्रीटी श्योर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने उस सीरियल में आने के लिए, बट इवेंचुअली इट वेंट वेल एंड मुझे वो लीड रोल मिल गया एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज़ जैसे कि मेरा एक्टिंग प्रोजेक्ट था प्यार पहली बार, सिर्फ 3 दिन का शूट था एंड दिस इज लाइक एवरीथिंग, आई वाज वेरी नर्वस, बट इवेंचुअली मेरे एक्टर्स इतने अच्छे थे, मुझे बहुत हेल्प किया एंड किंशुक एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड जो मेरे डैड बने थे, आज भी मैं उनको बाऊ जी ही बुलाती हूँ, माँ को मॉम ही बुलाती हूँ, तो वी हैड वी आर लाइक शॉर्ट फैमिली ओवर देयर, तो आज भी हम वैसे ही टच में हैं। ज्यादा मुझे प्रेम की बहुत, इट्स लाइक क्लोज टू माय हार्ट, मैं फ्यूचर में कितने बड़े प्रोजेक्ट्स ही ना कर लूँ, भगवान करे तो अगर मैं बॉलीवुड में भी चली जाऊँ तो भी ज्यादा मुझे प्रेम की इज गोना बी क्लोज टू माय हार्ट, इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। कौन सा आपका ऐसा फेवरेट रोल है जिसको आप करना चाहती हैं और आप बॉलीवुड फिल्म उस तरह की करना चाह रही हैं? So, मेरा ऐसा है कि मुझे सब कुछ ट्राई करना है, झिलमिल के बर्फी के झिलमिल के कैरेक्टर से लेके बाजीराव मस्तानी के कैरेक्टर तक सब कुछ ट्राई करना है। आई वांट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ कि मैं और कौन से फील्ड में अच्छी हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ, तो या आई एम इंटरेस्टेड इन लाइक एवरीथिंग। ओके, मगर यू नो कुछ फेवरेट होते हैं इंसान के कुछ रोल्स जो पिछले पहले किसी एक्ट्रेस ने कर लिए हो, वैसा कोई रोल है आपके पास? या तो मुझे बाजीराव मस्तानी में मस्तानी का कैरेक्टर इतना अच्छा लगा था कि मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा एक रोल करना है लाइफ। हाँ हाँ आई वांट टू वर्क विद संजय लीला भंसाली। We have Chai with Ahmed online with us. Hello Ahmed, कल ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और
मैं बताती चलूं आपको कि ये जो है कास्टिंग बीन्स के तवस्त से आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं. वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम, मिस्टर वरुण, और बीजेएम एंटरटेनमेंट की तरफ से बिरेन बेगाडिया, और मयूर गुप्ता और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट की तरफ से सैद अब्दुल लतीफ. ये सब इस टीम का हिस्सा हैं जो स्माइल विद समीरा अजीज जो है वो आज जो आपके सामने आ रहा है. तो अब हम आगे बढ़ेंगे शो में. अच्छा, अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े ड्रामा सीरियल और फिल्म, तो आप किस चीज को सेलेक्ट करेंगे? मैं एक्चुअली देखूंगी कि कौन सा, मतलब किसका स्क्रिप्ट अच्छा है. स्क्रिप्ट रियली मैटर्स. अगर फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हुई तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर फिल्म, बट अगर सीरियल की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तो मैं रियली मैटर्स अ लॉट कि आपका कैरेक्टर क्या है. तो अगर मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया एंड मुझे करना है, अगर ऐसा हुआ, ऐसी फीलिंग आई, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर एनीथिंग. और ये बताएं कि सीरियल और मॉडलिंग. आई थिंक सीरियल. सीरियल्स. सीरियल में फंस जाता है इंसान, कितने सारे एपिसोड्स चलते रहते हैं. राइट, बट एवरी डे कुछ नया सीखने को मिलता है. आज भले वो थोड़ा ड्रामेटिक हो, जैसे आज बहू के साड़ी पर छाई गिरा दी, या कुछ इविल प्लान किया, या व्हाटएवर इट इज, तो इट्स लाइक कुछ नया रोज सीखने को मिलता है. एंड व्यूअर्स को हम इतने पसंद आते हैं कि उनके जो ढेर सारा प्यार मिलता है वो बस देखकर बहुत खुशी मिलती है. यहाँ पर आपके जो व्यूअर्स हैं उनमें से एक सवाल करें कि आप किसी इंग्लिश फिल्म में कास्ट हुई हैं, क्या ये बात ठीक है? सॉरी, किसी किसी इंग्लिश फिल्म के लिए भी आपने आपने आपकी कास्टिंग? नहीं. का क्या ख्याल है? आई थिंक मैं अपने इंडियन इंडस्ट्री से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि आई डोंट थिंक सो मुझे बाहर जाने का मन करेगा. साउथ इंडस्ट्री, साउथ फिल्म. गुजरात, Tamil, every like South Indian, everything. I'm open to every industry. But I just want to the script. I just want the script to be very strong and my character to be very strong. I am open to anything. अच्छा, barrister Babu, उसके बारे में बताइए. What is it about? Barrister Babu में मेरा character थोड़ा अलग है. Barrister Babu, ये serial के बारे में मुझे जान एंड में पता चला था. एंड मैं सिलेक्ट भी हो गई थी ऑडिशन में. एंड इसमें मेरा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट लाइक अ मौलिका. बस एक ऐसा है कि मेरे जो बचपन का प्यार है वो सर्विस के नाम पे किसी और से शादी कर आता है. उस लड़की की जान बचाने के लिए वो उससे शादी करता है, बट मैं आई एम इन लव विद हिम लाइक सो मच कि मैं देखती नहीं कि वो लड़की है, बच्ची है कि क्या है. आई जस्ट वॉन्ट माई लव कि मुझे उससे शादी करनी है. मैं कुछ भी करूंगी बस उस लड़की को उसकी जिंदगी से हटाने के लिए. आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी माई लव. सो इट्स लाइक दैट. बट लेट्स सी. I can't hear you. Yeah. Lockdown के बाद क्या plans हैं, क्या goals हैं? Let us know about that. Sorry, I can't hear you properly. Yeah, you cannot hear. Yeah, hello. Can you hear now? Yeah. Lockdown के बाद आपके क्या goals हैं, क्या plans हैं? लॉकडाउन के बाद तो डेफिनेटली हमारा फिर से शूट शुरू हो जाएगा.
बट लॉकडाउन खत्म होने पे मेरा सबसे पहला ये प्लान है. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे विद दिस. मुझे बस एक छोटी सी वेकेशन पर जाना है अपने दोस्तों के साथ एंड देन बैक टू वर्क. अच्छा तो आप टाइम मिलेगा उतना मेरे ख्याल में जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट होगा वो सीरियल्स वाले कंटिन्यू कर देंगे फॉरन स्टार्ट शूटिंग. या स्टार्ट भी हो जाएगी बट डेफिनेटली एक दिन की भी छुट्टी मिली आई विल गो अलोन. आई विल गो फॉर अ सोलो ट्रिप फॉर लाइक वन डे. एंड हाउ डिफरेंट इज टू वर्क इन मूवीज एंड टीवी सीरियल्स. आई मीन वेब में काम सीरियल में काम एंड सॉरी आई कांट हियर यू. I can't hear you. Yeah. Yeah, can you hear? Yeah. Yeah, yeah. Yeah, tell yeah. me. Yeah. What was the question again? Yeah, yeah, I can. Yeah, how different is to work in movies and TV serials? So yeah, I think बहुत अलग है. Movie is more inclined towards and it's like a daily thingy. So हम हर चीज को काफी stretch करते हैं. But in movies like very short and sweet, they वो आपको आपका target बताते हैं. मतलब उनको क्या दिखाना है वो clearly सिर्फ वही चीज दिखाएंगे. उसी के ऊपर फोकस रहेंगे. अगर टीवी सीरियल्स में देखा जाए तो हम सब चीज बताते हैं. मतलब इसका बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए ये ऐसा है एंड ये सिचुएशन क्रिएट हुआ बिकॉज पास्ट में कुछ हुआ रहेगा या फ्यूचर में कुछ होने वाला है. सो वी शो लाइक एवरीथिंग बिकॉज रोज एपिसोड आते हैं फॉर लाइक हाफ एन आवर. सो वी हैव अ शो. सो या इट इज डिफरेंट. एक्टिंग वाइज देखा जाए तो रियलिस्टिक है. I think there's some network issue. I can't. Yeah. Can you hear right now? Yeah. Hello. Yeah. What do you think about Saudi Arabia? आपने Saudi Arabia के बारे में क्या ख्याल है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Yeah. मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि what do you think about Saudi Arabia? Sorry. What do you think about Saudi Arabia? I've heard about that place because मेरे एक दो friends हैं सऊदी से and मैंने मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है but definitely मुझे अगर मौका मिले तो मैं definitely जाऊँगी. मेरे दो तीन friends हैं जो सऊदी से आए हैं and they are really sweet, very sweet. Okay. अच्छा हमारा जो ये show है इस show का नाम है smile. तो मैं चाहूँगी कि आप हमें तीन तरीके से smile करके दिखाइए. I don't know what to do that. Okay. First is without teeth. Second is deep smile. And third is haha. सही. अच्छा अब आप हमें तीन तरीके से रो कर दिखाएं. Okay. ये ये वाला रोना फिर एक ये वाला रोना तीसरा आई डोंट नो पेंट रोना आई डोंट नो. हाँ हाँ अगर कोई जो है दोस्त आपको जोर से थप्पड़ मारे तो आप कैसे रोएंगी? काल पे हाथ रखी फूट फूट कर. अच्छा मारूंगी. हाँ ये तो सही. अच्छा ये बताएं कि आप फिल्मों में या वैसे भी कोई भी आप किस तरह की ड्रेसिंग पसंद करती हैं? रोल के हिसाब से तो करना पड़ता है जो ड्रेसिंग होती है लेकिन आपकी फेवरेट ड्रेसिंग कौन सी है? स्कर्ट और साड़ी? आई थिंक मुझे इंडियन वेयर बहुत पसंद है.
हाँ जैसे कलंक में जो आलिया भट्ट ने जो पहना है, मुझे हाँ उनका हाँ पूरा वो आउटफिट, हर एक आउटफिट मुझे वो इतना अच्छा लगा है हाँ हाँ कि हाँ अगर मुझे ऐसा आउटफिट मिले तो राइट ओके. कोई मैसेज आपका आपके मिडिल ईस्ट के फैंस के लिए, सो लेट अस नो. यस ऑफ कोर्स गाइस, प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड आई होप आप सब ठीक है, एंड आई जस्ट होप कि ये सब कोरोना जल्दी से चले जाए एंड हम फिर से अपनी शुरुआत, अपनी लाइफ की शुरुआत करें. एंड प्लीज मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्टे हैप्पी गाइस, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, एंड लॉकडाउन के बाद बैरिस्टर बाबू जरूर देखेगा. Sure. So thank you so much, Pranali, for being here. We are so happy and so grateful to you. Just you take care of yourself and stay connected. Thank you. Thank you. Bye. बाय. जी दोस्तों, तो सुना आपने, प्रणाली राठौर तो है इस इंतजार में कि कब ये जल्दी से लॉकडाउन खोले और वो लपक कर अपना काम जो है रीस्टार्ट करें. तो ऐसे ही पैशनेट लोगों से जनाब चलता है ये निज़ाम, और हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे. लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको हमें सब्सक्राइब यूट्यूब पे समीरा अजीज़ ऑफिशियल पे, और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे और फेसबुक पे भी जनाब. तो मुंबई इंडिया से BJM एंटरटेनमेंट के ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट के सैद अब्दुल लतीफ़ जो है इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारे माउनों और मददगार रहते हैं. और ये खास शो प्रणाली राठौड़ का आप तक पहुंचाने के लिए कास्टिंग बीन्स हमारे साथ छाना बशाना रहे हैं. सो थैंक यू सो मच कास्टिंग बीन्स, और हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए. टिल देन, मैं सलामा, बाय बाय.